हम सभी को मालूम है हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर 120/80 है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी 120/80 ब्लड प्रेशर को ही क्यों मेंटेन करती हैं? किस कारण से यदि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो बिना मेडिसिन के हमारी बॉडी उसे नॉर्मल कंडीशन में ला सकती हैं, और किस कारण से यदि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो बिना मेडिसिन के हमारी बॉडी उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ला सकती हैं ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। आइए आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। मैं आलोक सिंह, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो हमारे ब्लड के द्वारा एग्जर्ट की जाती है ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, ताकि हमारे बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, बॉडी के सेल्स को रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स मिलता रहे और हमारे बॉडी के सेल्स किसी भी कारण से डैमेज ना हो। यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती हैं तो चांसेस होती हैं कि ब्लड सेल्स हमारी डैमेज हो जाए, और यदि ब्लड प्रेशर लो होंगी तो चांसेस होंगी हमारे बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ना मिले, सेल्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ना मिले। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी मेडिसिंस। इसके लिए हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स हैं, दो मैकेनिज्म हैं। एक को हम कहेंगे बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म और दूसरे का हम नाम देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोएस्टेरोन मैकेनिज्म, दैट इज ए हार्मोनल सिस्टम। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि बैरो रिफ्लेक्स होता क्या है। बैरो रिफ्लेक्स एक हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है जिसमें कि हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टर पाई जाती हैं। ये बैरो रिसेप्टर हमारे बॉडी के किडनी में और हमारे बॉडी के हार्ट के एओर्टा के वाल पे पाई जाएंगी। इनका मेन पर्पस होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो उसका नॉर्मल प्रेशर मेंटेन है या नहीं। यदि सपोज करें किसी कारण से हमारे ब्लड का प्रेशर लो हो गया, उसी टाइम ये बैरो रिसेप्टर जो हार्ट के अंदर बैरो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और वो इम्पल्स कन्वे करेंगी टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएंगी और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएंगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन का इफेक्ट होगा कि हमारे हार्ट का जो कार्डियक फोर्स है, जिस फोर्स से हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, वो कार्डियक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जो रेट ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन है, रेट ऑफ या हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और इन सभी का नतीजा होगा कि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गई थी वो इंक्रीज हो जाएंगी। और जैसे ही हमारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेज में पहुंचेंगी, हमारी जो बैरो रिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी अपना काम करना बंद कर देंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। तो इसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोएस्टेरोन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोएस्टेरोन सिस्टम। इनके अंदर एंजीन, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोएस्टेरोन, ये तीन हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। हमारे किडनी के अंदर भी एक बैरो रिसेप्टर पाई जाती हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूल के पास होंगी। ये बैरो रिसेप्टर जैसे ही हमारी किडनी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, ये बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके एक्टिवेशन से हमारे किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एक पार्ट होगा जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर एक हार्मोन पाई जाती हैं जिसे कहते हैं प्रोरेनिन। बैरो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देंगी, और ये रेनिन एक एक्टिव हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगी। हमारे ब्लड के अंदर पहले से ही एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट की जाती हैं। ये एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव हार्मोन है, लेकिन जैसे ही इसे कॉन्टैक्ट में रेनिन आएगा, जो एंजियोटेंसिनोजेन है वो एंजियोटेंसिन 1 के में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ये एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक दूसरा एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम कहेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। जो एंजियोटेंसिन 2 है यह एक पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मीन्स ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी और इसके कॉन्स्ट्रिक्शन से जो हमारी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुई थी वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा, यही एंजियोटेंसिन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट करेंगी और वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट करेंगी जिसे हम कहेंगे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे किडनी से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती हैं, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगी और पोटासियम के एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज कर देंगी। वाटर के रिटेंशन से, सोडियम आयन के रिटेंशन से हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है या जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस इंक्रीज होते ही हमारी जो ब्लड प्रेशर होंगी वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएंगी। और इस तरह से ये दो मैकेनिज्म हमारे बॉडी के यदि किसी कारण से ब्लड प्रेशर लो हो गई है तो विदाउट एनी मेडिसिन अपने खुद ब खुद उसे रिपेयर करती हैं और उसे नॉर्मल कंडीशन में लेकर आती हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया हो तो विदाउट मेडिसिन हमारी बॉडी किस तरह से इस ब्लड प्रेशर को फिर नॉर्मल स्टेट में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो।